भाजपा पार्षद विमला देवी की बहू चांदनी ने अपने पति समेत सास ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बहू चांदनी ने कहा कि शादी में पर्याप्त दहेज देने के बाद भी ससुराल वाले उसे और उसके परिवार को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं और राजनीतिक दबाव होने की वजह से उसकी शिकायत कहीं दर्ज नहीं हो रही है। भाजपा पार्षद विमला देवी की बहू चांदनी ने कहा कि उसकी शादी 6 माह पूर्व विमला देवी के पुत्र शिवम के साथ हुई थी। शादी में पर्याप्त दहेज देने के बावजूद ससुराल पक्ष उसे दहेज के लिए परेशान करता था। चांदनी ने कहा कि उसका पति भाजपा नेता है और उसकी सास पार्षद है, इस वजह से उसकी शिकायत थाने में दर्ज नहीं की जा रही है। चांदनी ने अपने पति शिवम पर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के पहले भी शिवम ने उसका यौन शोषण किया था, जिसके बाद उसे गर्भपात कराना पड़ा था। मेरे साथ अभी 22 तारीख को मेरे ससुराल पक्ष की तरफ से मेरे साथ बहुत मारपीट की है। इन लोगों ने मुझे मार मार के घर से निकाला है। रीजन क्या था? सिर्फ दहेज की, दहेज नहीं दिया। इन लोगों को कैश चाहिए था, दहेज पूरा दिया गया है। उसकी लिस्ट हमारे पास है पूरी। 80 जोड़ी कपड़े गए हैं, 11 जोड़ी पायल गई है, सारी चीजें जो लेडीज को चाहिए, 7 घड़ी गई है इन लोगों के लिए। इन लोगों ने फिर भी मुझे मार मार के, देखो हरकतें इन लोगों की ऐसी थी। मेरा मेडिकल मेरे पास है, देखो मैंने मेडिकल भी करवा रखा है अपना। थाने में तहरीर दी, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। 4 से 5 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। मेरा ससुर रामेश्वर बड़ोदिया, ये पूर्व पार्षद रह चुका है वार्ड नंबर 17 दीवड़ी से। अब वर्तमान में जो पार्षद है, इसकी पत्नी विमला देवी है, इसका पुत्र शिवम बड़ोदिया, जिसने मेरे साथ ये हरकतें की है, इसने मुझे बहुत मारा है। इसको मैंने इसकी भाभी के साथ भी कमरे में पकड़ा, तब भी इसने मुझे बहुत मारा था। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।